तो भाई ये देखो, ये है चिली पेस्ट जिसकी रेसिपी आप काफ़ी टाइम से मांग रहे थे। कैसे रेस्टोरेंट में बनती है, होटल में ये कैसे बनाया जाता है, तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है स्पाइसी निंजा, जहाँ पे हम सीखने के लिए आ रहे हैं अपनी रेसिपी। सामने देखो ये है झरोड़ा बस स्टैंड, ये नजफगढ़ वाली रोड है, ये झरोड़ा बस स्टैंड है इसको बोलते हैं। यहाँ से बहादुरगढ़ का रोड जाता है आगे, उसी के सामने यहाँ पे ये स्पाइसी निंजा और ये इनका सीटिंग एरिया है। यहाँ पे छोटा है बट लेकिन कंफर्टेबल है, काफ़ी सही है। और मेन्यू में मैं आपको इनका दिखा देता हूँ, काफ़ी वाइड वेरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी चाइनीज़ की। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, स्विगी जोमेटो और मैजिक पिन में भी अवेलेबल है, यहाँ पे आके भी आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी चिली पेस्ट बनाना। यहाँ पे लिया है 100 ग्राम चिली है, ये नॉर्मल चिली है जो नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है वो वाली है। कई लोग कमेंट करते हैं ये कौन सी चिली है, तो नॉर्मल जो मार्केट में मिलती है ना वो वाली है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका क्या करेंगे। इसको थोड़ा बॉइल करेंगे, अब इसको करेंगे हम बॉइल। कितनी देर बॉइल करना है? 20 से 25 मिनट तक इसको पकाना। 20 से 25 मिनट लगेगा आपको इसको पकाना है, 20 से 25 मिनट। और आँच आपकी फुल रहेगी, तेज फुल रहेगी, तेज आंच पे आपने इसको पकाना है। और 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे इसको पकाने में। और अभी पानी में कुछ नहीं डाला, ना नमक कुछ भी नहीं, बस इसको डाला है और इसको उबालना है 20 से 25 मिनट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए इसे पकने देते हैं 20 से 25 मिनट। तो लो भाई, यहाँ पे 20 से 25 मिनट इसे हो चुके हैं उबलते हुए, अब भैया इसे छान रहे हैं। तो पानी का कोई ऐसा वो नहीं है कि कितनी क्वांटिटी रखनी है, बस ये डूब जाए उसमें और अच्छे से उबल जाए, इतनी आपने क्वांटिटी पानी की रखनी है। तो अब क्या करेंगे भैया नेक्स्ट स्टेप? इसको थोड़ा ठंडा होने दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दो, उसके बाद फिर इसे अगला स्टेप अब बताएंगे। वैसे तो इसे पीसना ही होगा, पीसना है, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। पहले इसे ठंडा होने देना अच्छे से, उसके बाद इसे पीसना है। तो लो भाई, यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं हमारी सारी मिर्च, अब इसको डाल रहे हैं जार में, अब इसको पीसेंगे। दाई, इसको पीसते वक्त पानी वानी डालना है? पानी डालना है थोड़ा सा डालना है, हल्का सा, ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। पानी दिखा देते कितना डालना है। बस ये देख लो आपका होगा, ये छोटा ग्लास होता है ना चाय पीने वाला, बस उतना ही होगा। अब इसको मिक्सी में पीस देना है। तो चलो फिर भाई इसको पीसते हैं। भाई ज़्यादा पतला पीसना है या बारीक पीसना है? इसको बारीक पीसना है अपने। और हो सकता है थोड़ा सा नॉइस आए, क्योंकि एक तो यहाँ पे एग्जॉस्ट चल रहा है और सामने यहाँ पे फ्रंट में रोड है। हो गया, अभी चेक कर रहे हैं। ठीक है, हो गया, डन है, आपको इतना पीसना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अब क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको थिकनेस भी दिखा देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं भाई सही से दिखाओ, तो ये लो भाई आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। तो इतनी आपने थिकनेस रखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारा। यहाँ पे कढ़ाई कर दी है गरम, इसमें डाला है तेल। तेल कितना जाएगा भाई? ये सारा जाएगा? तो भाई ये होगा आपका कम से कम दो बड़ी कड़ची, है ना? हाँ, दो बड़ी कड़ची आपकी, ये तेल जाएगा। और कड़ची देख लो आप, ये जो घर में होता है ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी है ये। तो अगर घर की मैं नॉर्मल कड़ची बताऊँ तो 3 से 4। इसको बस ज़्यादा तेल पे ही पकाना है इसको, इसको ज़्यादा तेल में पकाना है। और वैसे मैं अगर ग्राम की बात करूँ तो ये होगा 200 से 250 ग्राम तेल होगा ना, आराम से। बस तेल आपने गरम करना है, तेल कितना गरम करना है भाई? गरम करना है हल्का, मीडियम आपने गरम करना है। और आँच कैसी रहेगी? हल्का हल्का आग रहेगा, आँच रहेगी आपकी हल्की। और यहाँ पे देखो, इस आँच को आप कंपेयर मत करो घर से, क्योंकि इनका आँच थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, हल्का रहेगा। और इसको चलाते रहना, हल्की आँच में आपने पकाना है। तो घर में दही जब हम पकाते हैं तो बिल्कुल सिम में पकाना है या मीडियम में? मीडियम में पकाना है। मीडियम में पकाना है आपने, सिम और मीडियम के बीच में जो गैस रहेगी ना आपकी, उसमें आपको पकाना है। तो दाई कितने मिनट इसे पकाना है? पकाना 20-25 मिनट। 20 से 25 मिनट ये लेगा? तो चलिए 20 से 25 मिनट ये लेगा। इसके बीच में देखिए भैया डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक डाला है, हल्का सा अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है, हल्का भी नहीं कर, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं आता। हल्का सा विनेगर डालना है आपने, आधा चम्मच इसमें डाला है, इसका रीज़न ये है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता इससे। अच्छा दाई, ये बताओ मेरे को, ये कितने दिन चल जाता है? एक हफ्ता चल जाएगा। अच्छा, जैसे दाई यहाँ पे इसको फ्रिज में रखना पड़ता है या बाहर रखें? फ्रिज में रख दो, फ्रिज में भी रख दो, कोई नहीं, बाहर भी खराब नहीं, बाहर भी रख दो।
तो ये आपका ख़राब नहीं होगा, आप फ्रिज में रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। एक दो दिन तक ये ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रखेंगे तो हफ्ते भर तक नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बाहर रखोगे तो एक दो दिन में ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रखोगे तो हफ्ते भर आपका ये चल जाएगा। तो चलिए भाई इसको पकने देते हैं 20 से 25 मिनट, जब ये बन के रेडी हो जाएगा तब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चलाते रहना बार बार चलाते। अच्छा ठीक है, ये चीज़ मेन चीज़ है, ये आप देख लो भाई, इसको चलाते रहना कंटिन्यू, आपने इसको छोड़ना नहीं, अदरवाइज ये चिपक जाएगा नीचे, नीचे चिपक जाएगा। यानी कि 20 से 25 मिनट आपने इसे कंटिन्यू चलाना है, कंटिन्यू यहाँ पे करची चलाती रहनी है। तो चलिए 20 से 25 मिनट इसे पकने देते हैं, फिर फाइनल इसमें जब बन के रेडी होगा तब आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगा, और अगर बीच में कुछ डलता है तो वो भी आगे आपको मैं दिखाऊंगा। तो लो भाई, हमारी चिली पेस्ट की रेसिपी फाइनली हो चुकी है रेडी। तो इसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे यार आपके साथ साथ कि हमें ये रेसिपी मिले जल्दी से जल्दी। तो भाई ये बन के डन है, तो बस ये डन है, आप इसे डालेंगे अपने उसमें जिसमें ये रहता है, इस कटोरे में। तो ये इस तरीके से बनाई जाती है, बहुत ही सिंपल तरीका इसे बनाने का। और अदरवाइज़ आपको लगता है कि यार ये मुझे नहीं बनाना, तो इसके बदले आप मार्केट से सेज़ोन सॉस भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काम आपके आ जाएगा। बट लेकिन रेस्टोरेंट में होटल में ये इसी तरीके से बनाया जाता है। तो ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।